लोग ऐसा चाहते हैं, हम इसको हमारा फलाना व्यक्ति हमारा लीडर होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, वॉट एवर, दैट हैज टू बी कन्वेड टू द हाई कमांड। फिर हाई कमांड कितनी इसको इम्पोर्टेंस देगी, कितना वो लोग इस बात को तवज्जो देंगे, दैट हैज येट टू बी सीन। बट आई फील देखो, पर्सनली आई एम नॉट सेइंग आई एम इन द रेस ऑफ सीएम से फॉर एनीथिंग लाइक दैट, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग इन द रेस, बट इट इज वीरभद्र सिंह फैमिली लेगेसी। आप ये जानते कि ये चुनाव हमने वीरभद्र सिंह जी के नाम पे जीता है, उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं की तस्वीर लेकर, उन्हीं के काम को देखते हुए लोगों ने वोट डाला है। तो आप क्या इस मकाम पर वीरभद्र सिंह की फैमिली को नजरअंदाज कर सकते हैं? दैट इज वन प्राइम क्वेश्चन। तो वेन यू कैन नॉट निगलेक्ट हिम, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर कि दिस इज द फैमिली जिन्होंने 60 साल तक प्रदेश की सेवा की है ना, इस मकाम पर हिमाचल प्रदेश को पहुंचा है। तो वीरभद्र सिंह के काम थे जो आज भी बोलते हैं, और वीरभद्र सिंह हर जन हर व्यक्ति के दिल में आज भी वो है, और लोग उनको उसी तरह से याद करते हैं। लोगों की चाह है, लोग चाहते हैं कि ये जो वीरभद्र सिंह जी ने काम किया उनकी फैमिली क्यों नहीं कर सकती। हाँ, वो कहते हैं क्यों उनकी वाइफ क्यों नहीं कर सकती, उनका बेटा क्यों नहीं कर सकता। वी हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस फैमिली। एक तो दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स मच बेटर कंटेंडर। नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंटेंडर, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एनीबडी। सी व्हेन यू सी कि भाई आपने सपोजिंग मुझे कोई जिम्मेवारी दी है, तो मुझे उसको उस तरीके से निभाना है ना। इफ दे फील आई एम फिट फॉर दैट, और लोगों की भावनाएं हैं जुड़ी हुई, तो अगर वो इस बात को कंसिडर करेंगे देन ठीक है, दे कैन गिव मी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन ऑल्सो निभाओ। इफ दे फील कि नो नो, इट हैज टू बी गिवन टू समबडी एल्स, तो वी विल ओबे दैट ऑर्डर ऑल्सो। मैम, आपने एग्जाम्पल दिया था बाय इलेक्शन का, उसको कैसे देखते हैं? बाय इलेक्शन कोई छोटी बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी। पूरे भारतवर्ष में जब हम कांग्रेस एक पे एक सीट हारती जा रही थी और हमारी धज्जियां उड़ रही थी चारों तरफ, तो एक मंडी की बाई इलेक्शन की सीट ही थी जिसने विजय का परचम लहराया था, और वो भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, सीएम मंडी से, इतनी विकट परिस्थितियों में। और उस सीट को हम पिछली बार 4 लाख वोटों से हारे थे। उस 4.25 लाख को वोट को पूरा करना, फिर बढ़त हासिल करना, और टाइम कितना कम, ओनली 1 मंथ अहेड, और 17 हलकों का दौरा करना था, 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आई हैव फॉट दिस इलेक्शन फाइव टाइम्स। मैंने इस चुनाव को, मंडी पार्लियामेंट्री चुनाव को लड़ा है, जिसमें से मैं 3 बार जीती हूं, ये मेरा 3rd term है ना। इट इज नॉट इजी कि आप 17 के 17 हलके में जीत हासिल कर सको। तो इस बार ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में भी मैंने ये इलेक्शन जीता, जिसकी वजह से एक हर कांग्रेस के दिल में एक उम्मीद जगी है कि जी हाँ, हम जीत सकते हैं, और ये हमने दूसरा चुनाव जीत लिया। मैम, आज इस तरह से अभी भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि देखो, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जो खरीद फरोख्त का पिछला रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, हमें अलर्ट रहना होगा। इस विषय में आप कैसे सोचती हैं? देखिए, अगर तो बहुत कम मार्जिन होता है, हम बराबरी बराबरी पे होते, देन वन कुड थिंक ऑफ इट। नाउ वी हैव गॉट 40 सीट्स, सो इस पे कोई बड़े भारी डरने की बात नहीं है, कोई खरीद फोक्त की बात नहीं है, या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं है। हम लोग बहुमत में आए हैं, और जैसा अन्य स्टेट्स में होता है कि गोवा में हुआ, या उत्तराखंड में हुआ, या और स्टेटों में हुआ, आई डोंट थिंक कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई बात है, ना पहले हुई है ना अब होने जा रही है। थैंक यू।